साथियों, ये देखिए, अभी हम कोयम्बटूर में आ चुके हैं। एक और पहले भी लाइव चलाए और अभी एक फैक्ट्री में हम हैं। देखिए, फैक्ट्री में हैं, यहाँ पे सब अपने भाई लोग सब काम कर रहे हैं और तमाम भाइयों से हम बात करवाएंगे और जो भी लोग लाइव में जैसे ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये पेज स्पेशल करके इसी मैटर के लिए बनाया गया है। इसी जो अफवाह जो उड़ी है, इसी को क्लियर करने के लिए ही ये पेज बनाया गया है। तो जो भी लोग जुड़ेंगे उसको शेयर कर देंगे वीडियो को। ये देखिए, ढिल्लू भाई यादव जी जुड़े हैं, जियो सिर, लव यू। कहाँ से आप हो? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? आरा जिला। अच्छा, आरा जिला। सब लोग आरा जिला से? आरा जिला। हम लोग यहाँ से दो चार आदमी झारखंड आए, आरे के हैं। जितना हम लोग आरा से, संदेश क्षेत्र के हैं। अच्छा, संदेश क्षेत्र, संदेश के सुनापुर गांव का रहने वाला है। अपना अपना परिचय पूरा दीजिए, क्योंकि आपके गांव के भी लोग देखेंगे इसको। पूरा परिचय, अपना नाम, गांव का नाम, जिला का नाम बताइए। पूछिए, ये सब देवारे के हैं। आप आरा में हो? आरा में कहाँ से? आरा जिला में हमारा जगनपुरा गांव पड़ता है। जगनपुरा गांव हुआ, संदेश से। अच्छा, संदेश से अरुण भैया के, अरुण भैया के निजी देखते हैं। अरे भाई, मेरे भाई हैं, ब्यास ब्यास स्टेज पे होता है आदमी जैसे। तो ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, ये आरा से आप भी हैं? आरा में आप कहाँ से हैं? एक ही गांव का, बगल का है। अच्छा, सब एक ही जगह से? हाँ। मुजफ्फरपुर के कौन लोग हो? मुजफ्फरपुर एक आदमी है, घर में एक दो आदमी। आप नवादा जिला? नवादा जिला में कहाँ? इसवा में कहाँ? अमड़ी। अमड़ी, चलिए। सिरदला उदला वहीं पड़ता है? आप कहाँ के हो? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ से? मधुरापुर। मधुरापुर, चलिए। कटिहार के हैं? अच्छा, आप कटिहार के हुए? कटिहार तो हम गए किए थे, मोहना ठाकुर वाला मैटर में। देखिए, तो कटिहार में आप कहाँ से हैं? कटिहार में मेरा डिस्ट्रिक्ट से कटिहार पड़ा। जी जी। घर पड़ा सोनाली। सोनाली का? आपका? हम राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से, किस जिले से? बीकानेर। बीकानेर से, चलिए। आप? बाकी सवारा? आप भी आरा से? चलिए। अच्छा, यहाँ पे सब लोग आइए ना, ऐसे सब लोग आ जाइए। आप लोग ये बताइए कि जैसे वहाँ पे पूरा एकदम हंगामा। चाचा, आप भी आइए ना। आप कहाँ से? अरे से हैं? आइए। अरे तो आइए, सबसे पहले प्रणाम, अगर हमसे बड़े हैं सब लोग, प्रणाम मेरी तरफ से। जैसे वहाँ पे जो मैंने एक अफवाह, मैंने एक वीडियो चल रहा है कि लोग मैंने तमिल लोग काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, ऐसा बात है क्या? नहीं है सर। सर, सर मैं बिहार से आया हूँ और जो वीडियो जो वायरल चल रहा है, तो उसी का पता लगाने के लिए आए हैं कि क्या सच्चाई में वैसी घटना यहाँ पे हुई है। पूछो, ये सब लड़के काम कर रहे हैं। आप कहाँ से? हम तो राजस्थान के। आप राजस्थान से हैं? तो ऐसा कुछ है क्या, जैसे हम लोग तो मान लिए हिंदी बोलते हैं, तो अपने कोयम्बटूर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सपोर्ट कर रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये राजस्थान से हुए, ये भी हिंदी बोल रहे हैं, ये भी हिंदी बोल रहे हैं, और इधर बाकी जितने भी लोग हैं सब कोई आरा से हैं, तमाम लोग आरा से हैं, कुछ लोग नवादा से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, कटिहार से हैं। तो आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हम घूम ले इलाका में, कोई औरत मर्द भी था एकदम, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा है हम लोग, खूब लोग हंस रहा है, बोल रहा है, कोई कोई दिक्कतें नहीं है। संडे के दिन मैं गली गली घूमा, हाला हुआ तो हम लोग का टुकड़ा डर था, बाकी संडे के लिए पूरा भय हम छूट गए, गली गली घूमा। भैया, आपका नंबर कभी नहीं लग रहा था? इधर तो कोई कैसे लग गया हम किया कि आपको? तो जैसे ये जो माहौल जो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है ऐसा? हाँ। ये झूठा है ना, अफवाह है ना, है तब मैंने सच्चाई ना है, कुछ हुआ ना है?
मैंने ऐसा ना है कि ना ना इधर तो नहीं है, इधर तो मतलब डर नहीं है, देख रहे हैं, देखे चल रहा है ऐसे। हम लोग भी यहाँ वीडियो ही देखे हैं, वीडियो ही देख रहे हैं, मैंने आँख से नहीं देखे, आँख से नहीं देखे, नहीं है। चलिए यहाँ हम गली गली घुमाने, यहाँ तीर घूम के हवा बना दिए थे आपको भी वीडियो हम लोग देखे थे कि 5 तारीख को आप बोले थे कि हम 7 तारीख को इधर आने के लिए 7 तारीख 7 तारीख को 7 तारीख को बोले थे 7 तारीख आज है हम यहाँ पहुँच गए। तो मतलब आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल घूम रहे, कहीं डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बहुत सारे लोग जो एक रक्सौल से भी एगो आया था, चाटुकार आया और चेन्नई में बता दिया कि बिहारी लोग को प्रॉब्लम है। तो अभी तक ये हम कोयम्बटूर में हम हैं और कोयम्बटूर में ये दूसरा लाइव है, अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं बताया, कोई दिक्कत, जबकि ये तमाम साथी जो हैं, ये तमाम साथी बिहार के विभिन्न जिलों से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार को, बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, कुछ लोग हमारे जो गरीब मजदूर जो भाई लोग हैं उनको डराने की साजिश कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि जिसके पाँव में बयार फटता है ना, दर्द का हाल वही जानता है। गरीबी एक ऐसी अभिशाप है, किसी को शौक होता है क्या कि यहाँ प्रदेश में आए कमाए, किसी का शौक होता है, मजबूरी होता भी आता, कुछ न कुछ मजबूरी है। और मजबूरी यही है कि हम लोग के यहाँ भाई रोजगार फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे अपना सरकार उस पर काम कर रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भाइयों को डराया जा रहा है, ऐसा अफवाह उड़वा करके, इसके डर से बहुत सारे भाई यहाँ से छोड़ करके भाग भी गए। और बहुत सारे है ना, बहुत सारे उत्तर भारत में लोग पूरे परिवार डर भी गए हैं कि भाई कैसे होगा। तो ऐसा करके आप हमारे गरीब भाइयों के रोजी रोजगार पे आप लात मार रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। फिर से चूंकि हम लोग आए हैं, पर्दाफाश तो कर ही देंगे, तमाम जगह अभी तक कोयम्बटूर में घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम लोग वहाँ वीडियो में देखा करते हैं, सिर्फ वो भी ये लोग भी वीडियो में ही देखे हैं, आप लोग के जान पहचान में ऐसा नहीं ना हुआ है? नहीं, 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 नहीं। तीरपुर में, तीरपुर में तो यहाँ जो बगल में इसी के पटना जिला के बड़े लोग, हाँ, तो वहाँ के परिवार लेके बड़े फैमिली के जो बार कटा वगैरह कैसे वहाँ, हाँ, तो खून समले लोग कहला, हाँ, तो भैया वहाँ मतलब तीरपुर के भी अभी खबर भी बतला रहे हैं कि नहीं यहाँ कुछ भी दिक्कत है, मैंने तीरपुर में भी नहीं है, नहीं है। खाली ऐसे लोग मतलब कि खाली सुने हैं, वीडियो देखे हैं, उनसे वो सुने हैं, बाकी हकीकत कोई नहीं देखा है कि हमारे ये घटना हुआ है। मैंने तो वीडियो तो पहले का भी हो सकता है, हाँ, वीडियो तो पहले का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, उसे डाल करके वायरल कर दिया लोग। ये तो भैया आपको हम पहले हम बताए हैं ना, 2008 पहले डाला था, कभी बताया है 2008 में जो हुआ था ना, हम लोग पहले वीडियो डाला। ये आपके गाँव परिवार सब देख रहे हैं, हाँ हाँ, होली के माहौल में गाँव परिवार के लोग देख रहे हैं, होली का एंजॉय आप लोग कर रहे हैं, खूब रंग गुलाल उड़ी ना, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये देख लिए, और मैं आपको बाहर दिखा दूं, ये फैक्ट्री है और यहाँ पे तमाम हमारे मेहनती जो उत्तर भारतीय जो परिवार हैं वो मेहनत करके, और मैं आपको दिखा दूं, मोटर का कंपनी है, ये देखिए, ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है ये गलत है, ऐसा करके सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया से सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया से सब लोग काम कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं यहाँ पे, यहाँ पे सब लोग खुश हैं काम करके, सब लोग खुश हैं, हम लोग पगार उगार टाइम पर मिल जाता है, मैंने कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब मन तब पगार मिल जाता, पैसा कोई दिक्कत नहीं, जब पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा सेट भाई, हम लोग सेट खड़े हैं 24 घंटा के लिए। वहाँ पे विधानसभा में जो हंगामा कर रहा है उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? आप लोग को तकलीफ है? हम लोग खुद आप लोग को तकलीफ यहाँ पे है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ जैसे बिहार में जैसे अफवाह फैला रहे हैं वो लोग, तो हम लोग भी यहाँ रहते हैं, तो हम लोग वीडियो ही देख के सुने, बात कोई दिक्कतें यहाँ नहीं है, तो सुन लिए सब लोग,
सब लोग देख रहे हैं वांटेड अहीर गरीब के मसीह। अरे कुछ नहीं, आप सब मसीहा हैं, हम भी गरीब हैं ना, चना बेचते थे बचपन, मेरा चना बेचते गुजरा है। आज अगर दो पैसा कमा रहे हैं तो आप लोग के आशीर्वाद के बदौलत, और इसीलिए तकलीफ हमको होती है क्योंकि अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते, आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो हम भी कर्नाटक या तमिलनाडु किसी फैक्ट्री में ही काम करते रहते, इसीलिए आपको तकलीफ होता है। थोड़ा भाई साहब से मेरा बात कर लीजिए। जी नमस्ते, ठीक ठाक है? जी जी बढ़िया बढ़िया है। जी जी बिल्कुल, आप अच्छे हैं ना? जी जी ठीक 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 है जी, ठीक है ठीक है। अभी 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 लाइव में जी हैं, लाइव में है, लाइव में अभी हैं, तो ठीक है। अब और भी इधर फैक्ट्री है जहाँ पे और भी लोग होंगे, अपने बिहार के होंगे, बगल में फैक्ट्री कितना दूर है? चलिए ना, उसमें भी लाइव होते हुए चल जाते, ठीक है आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत ना? नहीं, तो मैंने अभी छुट्टी का टाइम था कि हम काम में डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा अच्छा, इधर कंपनी में भैया तमिल लोग दिक्कत होगा है कि नहीं? तमिल चलिए ठीक है। चाचा आपको कोई दिक्कत ना है? कहाँ आपका घर हुआ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में कहाँ? हथौड़ी थाना। अच्छा हथौड़ी थाना, मतलब कोई टेंशन ना? नहीं नहीं, इस चलते को हुआ बड़ी, सब लोग टेंशन में है। बिहार में टेंशन में है, सही बात। मैंने आप ठीक ठाक है ना? ठीक है यहाँ, ठीक है मैंने सब ठीक ठाक। हाँ ठीक ठाक। चलिए अब चाचा भी बोल दिए, गार्जियन का बात पाक होता है। तो आप कहाँ से? कहाँ से? आरा ही से। अच्छा आरा से, आरा में कहाँ से? जगनपुरा कोरी। अच्छा गाँव वाला देखेगा? अच्छा अच्छा, उनके गाँव के बगल के। अरुण भैया वीडियो देख रहे होंगे, विधायक जी अभिजेंद्र भैया, ये आपके गांव के बगल के हैं? जगनपुरा। जगनपुरा के हैं? जगनपुरा और सुंदरपुर। अच्छा अच्छा, तो मैंने सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ ऑल इज बेल है, जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है। यहाँ सब लोग मस्त हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और जो अफवाह, जो खास करके एक जो रक्सौल में व्यू पाने के लिए बैठा हुआ था धरना पर, उसके बाद वहाँ से उठा तो व्यू पाने के लिए चेन्नई रेलवे स्टेशन पर चला गया। मैं वहाँ भी जाऊँगा, चेन्नई रेलवे स्टेशन भी जाऊँगा, मैं डीजीपी महोदय से भी मिलूँगा, एसपी साहब से भी मिलूँगा, तमाम जगह पर मिलूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, ये ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ हमारे खाली मोबाइल में देख देख के आए, मोबाइल में खाली देखते हैं सामने से, और लोग एक कांड कर देखा हो का नहीं? नहीं देखा, बाजार में तो इधर कुछ खाली मोबाइल में देखे तो। तो चलिए ये आप चलिए, सब लोग को प्रणाम, होली मुबारक हो। तो ये सच्चाई आपने देखा, और खास करके मैं उन संघी जो यूट्यूबर हैं, जो चाटुकार हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो अफवाह जो उड़ा रहे हैं ऐसा करके, ठीक है ड्यूटी टाइम में, हाँ तो छोड़ के डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब क्या करना है, जब कोई ड्यूटी में है तो फिर है ना, नहीं तो मैंने दिक्कत नहीं ना है। हम लोग कुछ भैया दिक्कत यहाँ कुछ भी हम लोग मैंने कोई दिक्कत नहीं, कभी मैंने जैसे ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग रहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल जैसे घुमा
जैसे जैसे कहा जाता है कि जैसे 10 लोग निकलते हैं तब दिक्कत नहीं होता, अकेले निकलते हैं तो लोग अकेला जब मेरी जब कोई भी लड़का जाते हैं अपना दुकान से कोई मार्केट में घूम के आते हैं सोने के दिन तो भैया हमने की बहुत भीड़। अच्छा अच्छा यहाँ तो कोई यहाँ तो लिखे दे अरे यहाँ अभी और रिस्पेक्ट मिलने लगा है जब से नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी बात किए हैं ना। हाँ। और थोड़ा सा मतलब नीतीश जी और तेजस्वी जी की वजह से रिस्पेक्ट मिलने लगा है। हाँ। जितना यार बताओ संघी लोग ये विधानसभा में आवाज उठाते हो यहाँ तेजस्वी जी के वजह से लोगों का कहना है कि हमको और रिस्पेक्ट मिलने लगा है, अब क्या कहोगे? सच्चाई बात है ना? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग खुद सीएम यहाँ परसों आए, परसों आए था। जितना जितना गाड़ी गया गाड़ी वाले कोई दिक्कत ना भैया, कोई प्रॉब्लम ना भैया, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। मैं लड़का से लड़की तक है आज जो नहीं देखा था। क्या बोले पुलिसिया में पीछे ना पुलिसिया है। हां लेकिन आए थे संडे के। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो देख रहे हैं ये जो संघी लोग जो है ये 2024 के चुनाव का माहौल खराब करने के लिए ये तमाम हमारे जो मेहनती जो उत्तर भारतीय भाई लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मस्त सब लोग। चलिए आपको कुछ रास्ता भी दिखा देते हैं लाइव में, ठीक है? चलिए आप लोग को प्रणाम मेरी तरफ से, और फिर अभी निकलेंगे, अभी रहेंगे 2-3 दिन रहेंगे हम। ठीक है, हाँ प्रश्न नंबर हमको मैसेज कर दीजिएगा नाम, और किसी प्रकार की कभी भी दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिएगा। तो ये आपने देख लिया, इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। और इसलिए मुझे मजबूरन दिखाना पड़ रहा है क्योंकि होता क्या है ना कि ये लोग जो चेन्नई सेंट्रल चला गया रेलवे स्टेशन, वहाँ पे अब होली का माहौल है तो जैसे लोग जाते हैं घर, और एक एक दूसरा हो गया कि अफवाह उड़ा दिया गया, तो अफवाह उड़ा दिया गया तो भाई वो भी दिख जैसे जान का डर तो सबको ना है, तो अफवाह उड़ा दिया कि अफवाह है ऐसा सब लोग यहाँ देख रहे हैं, सब लोग मस्त हैं, सब लोग जबरदस्त हैं। और खास करके मैं अपने परिवार वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और इसलिए क्योंकि होली का दिन था, आज जाहिर सी बात है आज उनका हक था कि आज हम उनके साथ रहते, लेकिन हमने उस गरीबी को देखा है और हमको आज भी वो गरीबी याद रहता है। इसलिए हम अपने ये तमाम जो भाई लोग हैं ये सब हमारे ही तो परिवार हैं, तो हम लोग उस दर्द को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसीलिए यहाँ पे आए। और बाकी अगला जो पड़ाव जो होगा, अगला पड़ाव हम देखते हैं, अगर कोयम्बटूर में अगर कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर त्रिपुर की तरफ हम रुख करेंगे, फिर त्रिपुर की तरफ निकलेंगे। तो अब पुनः हम आ गए हैं, वहाँ पे भी सब लोग ठीक ठाक हैं। हाँ ये देखिए इधर भी सब लोग हैं, सब लोग यहाँ सब ठीक ठाक हैं। हाँ भैया कोई प्रकार की दिक्कत ना किसी प्रकार का, आप मैंने वो जो अफवाह से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो भैया रात में भी जाते रहते हैं, फोटो जो वायरल भैया हम लोग 11 बजे 12 बजे रात के, मेरा ऐसा काम है कि 12 बजे रात के भी बाइक लेके हमेशा जाते रहते हैं। आप किस जिले से हुए? हम वैशाली मुजफ्फरपुर दोनों के बीच में है। अच्छा आप किस जिले से हुए? हम भी मुजफ्फरपुर जिले से हैं। आप कहाँ से? हम मोतिहारी जिले से हैं। मोतिहारी से हैं, आप कहाँ से? वैशाली जिले। अब वैशाली से आप कहाँ से? हम मोतिहारी जिले से। मोतिहारी जिला से अब बताइए, वैशाली मुजफ्फरपुर मोतिहारी यहाँ भी हैं, वहाँ आपको मैंने मिलाया, नवादा जिला
फिर एक एक और भाई आए थे जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से थे, वहाँ आरा जिला मैंने मिलाया, वहाँ भी मुजफ्फरपुर से मिलाए, कटिहार से भी मिलाए। तो तमाम जगह के लोग बिल्कुल अच्छे हैं सब लोग। कोयम्बतूर की अगर बात करें तो सब लोग अच्छे हैं। ये चलते यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खाली तिरुपुर में हुए तनखा वनखा हुए झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, होगा तो होगा किससे हुआ होगा हिंदी और तमिल वाला से, तनखा वनखा अगर कहीं होगा तो हुआ होगा। ऐसे लाइफ नहीं बोलिए बिना सोचे समझे बिना डिसाइड किए का भैया, लाइफ चल रहा है। मैंने कंफर्म अपने नहीं कंफर्म नहीं है, मैंने अभी तक हम लोग ऐसा देखे नहीं है, ऐसे वीडियो सब अफवाह है। सुनने में आ रहा है कि तिरुपुर से थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ है पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है। चलिए जो वीडियो सब वायरल हो रहा है वो सब फेक है, सब बहुत पुराना वीडियो है भैया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। है कि हम तो 24 घंटा में 24 घंटा ड्यूटी करे वाला है, हमेशा बाइक लेके हमेशा इधर उधर घूमते जाते रहते हैं। आज जिस दिन कोई हिंदी वाला नहीं निकल रहा था उस दिन हम अकेले निकल के एयरपोर्ट एक दोस्त के छोड़ने आए हुए थे, कहिएगा तो अभी मैं जहाँ पे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सब ठीक ठाक। हाँ सब ठीक है भैया। तो अब वीडियो को अब द एंड करें, वीडियो को द एंड करते हैं, अगले पड़ाव की तरफ फिर निकलेंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन संघियों के पास जो हमारे मेहनती भाई लोग की मेहनत को देख करके जल रहा है और वहाँ अफवाह उड़ा दे रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे भाई लोग चले गए यहाँ से, जो काम करते अपना जीवन में कुछ धन अर्जित करते अपने परिवार के लिए कुछ और बेहतर करते, लेकिन जान का डर सबको होता है और उसी अफवाह की वजह से चले गए। तो उन तमाम अफवाह उड़ाने वालों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो बिहार सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जो तेजस्वी जी को नीतीश जी को जो बदनाम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी फेसबुक पेज पे मैं लगातार मैं लाइव आकर के सारी घटनाओं का सच्चाई क्या सच्चाई है, पर्दे के पीछे की क्या बात है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। प्रणाम आप सबको।